तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है, और यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले आप लोगों को ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल कर लेना है, उसके बाद ही ड्राइवर को इंस्टॉल करना। अगर आप बिना ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल किए इसको इंस्टॉल करोगे तो ड्राइवर अच्छे से इंस्टॉल नहीं होगा और आपका फ़ोन जो है डिटेक्ट नहीं होगा। और जब आप ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल करने के बाद ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो आपका परमिशन भी मांगेगा एक बार, तो आपको इंस्टॉल दिस ड्राइवर एनी वे पे क्लिक करना होगा, तो इस बात का ध्यान रखना, ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे मैं फाइल एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, फाइल का पासवर्ड डाल देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद जब इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो उसके अंदर एक और जिप फाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। फाइल के बाद यहाँ पे सिंपल मैं टूल ओपन कर लूँगा, टूल को यहाँ पे पासवर्ड डाल के मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे टूल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे आपका टूल जो है ओपन कर लेना है। और कोई फ़ोन का लॉगिंग करवाना है या फिर फाइल चाहिए किसी जियो भारत फ़ोन की तो कांटेक्ट कर सकते हो, टूल वगैरह के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे टूल ओपन हो गया, सर्च पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपकी फ्लैश फाइल रखी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये फ्लैश फाइल मैंने फोल्डर पे है हमारी, इसके अंदर जिप फाइल है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, फाइल हमारी लोड हो गई है। और यहाँ पर मैं स्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा, सारा कुछ यहाँ से बाकी चीज़ें हटा देंगे। और यहाँ पे एक ऐसा होता है कि फ़ोन आपका जो है पोर्ट बनाता तो है पर गलत पोर्ट बना लेता है, तो उसको भी सही करने के लिए हमको 2-3 बार ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखना। अभी मैं फ़ोन को कनेक्ट करूँगा, स्टार्ट पे क्लिक किया, डिवाइस मैनेजर खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखो फ़ोन को मैं कनेक्ट करवाऊँगा तो देखना फेल हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन पोर्ट गलत बना लेगा, देख सकते हो फेल हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, ड्राइवर को अपडेट कर दूंगा फिर से, यस कर देंगे। और डिवाइस मैनेजर पे आप देखना, पोर्ट जो है हमारा बनाया तो होगा पर गलत बनाया होगा, इसलिए फ्लैशिंग हमारी फेल हो गई। यहाँ पे आप देख पाओगे कि पोर्ट हमारा नहीं है, अभी मैं फिर से कनेक्ट करवाऊंगा तो देखना क्या पोर्ट बनाता है फ़ोन। तो ऐसे कंडीशन में आपको 2-3 बार ड्राइवर अपडेट करना पड़ जाता है। एक बार हमारा तो इंस्टॉल कर दिया हमने, और फ़ोन को अगर हम फिर से कनेक्ट करें तो देखना कौन सा पोर्ट आता है। देख सकते हो आप सबसे ऊपर में एंड्रॉयड फ़ोन का पोर्ट आ रहा है हमारा, जो कि गलत पोर्ट है, इसमें हमारी फ्लैशिंग तो लेगा नहीं टूल। तो एक बार फिर से ड्राइवर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से ड्राइवर अपडेट होगा और जो सही पोर्ट है वो बना लेगा, तो आपकी फ्लैशिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ता है, ड्राइवर सही बना रहा है या नहीं, कौन सा ड्राइवर बना रहा है। गलत अगर बना रहा है तो अपडेट करना पड़ता है, या फिर हो सकता है पर ड्राइवर अच्छे से इंस्टॉल ना हुआ हो तो ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल करके इंस्टॉल करना पड़ता है ड्राइवर को। तो इस तरह की प्रॉब्लम जियो फ़ोन को फ्लैश करते टाइम आपको आ सकती है। बाकी बहुत सिंपल सी फ्लैशिंग है, अगर आपका ड्राइवर वगैरह सही है तो एक बार में फ़ोन फ्लैश हो जाएगा। और यहाँ पर फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद सिंपल बैटरी को निकाल के फिर से लगा लेना, ऑन कर लेना, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हैंग ऑन लोगो पासवर्ड सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ये था मैंने आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।